दिल्ली पुलिस की पीसीआर और पेट्रोलिंग बाइक्स का एक काफिला देखकर आपके मन में कई प्रश्न उठ सकते हैं। जगह है दिल्ली का झंडे वालान माता मंदिर और पुलिस की ये गाड़ियां कोरोना के विरुद्ध सड़कों पर उतरे मंदिर के सेवादारों को धन्यवाद कहने और उनके सम्मान का पुलिस का तरीका है। सड़क पर उतरे सेवादारों के साथ मंदिर के कर्ता धर्ता भी मंच पर इस सम्मान के भागीदार बने, जिनके मार्गदर्शन में हजारों सेवादारों ने कोरोना संकट में न सिर्फ लाखों लोगों को रोजाना भोजन कराया बल्कि पुलिस को राशन, मेडिकल सामग्री समेत हर तरह की मदद मुहैया कराई। 35-40 हजार लोगों को खाना खिलाना रोज, ये एक कोई छोटी सी बात नहीं है। और केवल उन्होंने ये नहीं किया, इसके अलावा उन्होंने सरकार और पुलिस के साथ मिलकर एक सिस्टम बनाया। धन्यवाद स्वरूप पुलिस ने सफेद कुर्ते पजामे में सजे सेवादारों पर ड्रोन के माध्यम से पुष्प वर्षा की। सेवादारों ने कतार में लगकर पुलिस वालों के साथ मंदिर की परिक्रमा की और इस अभियान में शामिल सभी लोगों का धन्यवाद किया। जगह जगह पे जहां जरूरत पड़ी वॉलंटियर्स को, उनको चाहिए थे तो उन्होंने उनको ट्रेनिंग भी दी और उनकी मदद भी ली सोशल डिस्टेंसिंग वगैरह के अंदर, और कुछ रेड जोन्स के अंदर मैनेजमेंट के लिए, तो ऐसे अलग अलग स्थानों पे उन्होंने लिए, हॉस्पिटल्स में भी मदद ली, सब जगह ली उन्होंने। दिल्ली के झंडेवालान मंदिर से ही कोरोना काल में 25 मार्च से अब तक 18.5 लाख से अधिक भोजन के पैकेट समाज में बांटे जा चुके हैं, जिसके वितरण में सेवा भारती ने भी मदद की। हालांकि पुलिस की छवि कानून व्यवस्था बनाए रखने और अपराध रोकने की रहती है, मगर कोरोना के बाद दुनिया की व्यवस्था काफी बदलेगी, जहाँ पुलिस का रोल भी अलग होगा। इसकी आहट पुलिस प्रशासन ने महसूस की और इसीलिए समाज की संवेदनाओं को समझते हुए समाज को ही अपने साथ जोड़ा। ये साझेदारी कोरोना के विरुद्ध लड़ाई में सकारात्मक परिणाम देगी, ऐसा विश्वास सभी को है।